नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अपडेट्स फ्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे स्टडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिक्स सेशन फॉर द कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम्स। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मेमोरी इन योर कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू मेमोरी इन योर कंप्यूटर। आंसर इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर हाउ मच बिट ऑफ ए डेटा। आंसर इज वन बिट। फ्लिप फ्लॉप स्टोर वन बिट डेटा ओनली। नेक्स्ट, which of the following operator that can't be overloaded? Which of the following operator that can't be overloaded? Option number 2 is can't be overloaded. Next question, which of the following commands we use to retrieve data from database? Which of the following commands which can be used to retrieve database? Answer is queries. Answer is queries. Option number 3. Next, par dosto question padhte hain. At which level multi-valued dependency among attribute is checked? Answer is 4NF. Next, which technique is used for direct search? Direct search for hashtag and hashing. Option number 4, hashtag. ऑप्शन नंबर 4, हैशिंग फॉर डायरेक्ट सर्च। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेल सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स थ्रू विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। मेल सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स थ्रू विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों, व्हाट इज ओएसआई मॉडल? ओएसआई मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। आंसर देखते हैं, एप्लीकेशन। मेल सर्विसेज एंड डायरेक्टरी सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूजर्स थ्रू विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। आंसर इज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मॉडल। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट वोल्टेज अ पावर ऑफ ए सिग्नल्स इन ट्रांसमिशन बिटवीन पॉइंट्स इज नोन एज एटेन्यूएशन। अ डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए करंट and voltage of a power signals transmission between points is known as attenuation. Option number 2. All of the following are radio waves except Bluetooth, Wi-Fi are the radio waves, but a twisted pair is not a radio waves. Option number 3. Which protocol is used in email service? Answer is SMTP. SMTP means simple mail transfer protocol. Which protocol is used between email service? Answer is SMTP. Simple mail transfer protocol. Next. A translator which reads an entire program written in high-level language and convert it into machine language code is known as compiler. जो कि convert करता है high-level language को machine-level language में is known as compiler. Option number 2. Next, a hardware device that is capable of executing a sequence of instruction is known as processor. Option number 4. Next question, in memory management page fault occurs when The page is in main memory. Option number 2. Next question.
लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड एज बूटिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी इज कॉल्ड एज बूटिंग ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट अल्फा टेस्टिंग. अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अल्फा टेस्टिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आंसर इज कस्टमर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ई कॉमर्स में क्या क्या आता है. वेब सर्वर आता है, ई कैटेलॉग, नेटवर्क्स, ऑल ऑफ दिस. आंसर इज फोर, ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स IO डिवाइसेस मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. स्पीकर जॉयस्टिक प्लॉटर. स्पीकर यानी आउटपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस फॉर प्लेइंग गेम्स एंड प्लॉटर इन आउटपुट डिवाइसेस. तो आंसर इज फोर, ऑल ऑफ दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों. हु इन्वेंटेड जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आंसर इज सन माइक्रोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ पेज इन MS वर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू ओपन अ न्यू पेज इन MS वर्ड. आंसर इज कंट्रोल प्लस एंटर. आंसर इज कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट स्लाइड्स आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड एज द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट द टेक्स्ट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स स्लाइड्स आर प्लेस्ड इन इज कॉल्ड एज सिंपली प्लेस होल्डर. एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं. द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट दैट द टेक्स्ट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट स्लाइड्स आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड एज प्लेस होल्डर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस. तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, बाय बाय.